Welcome RCI online classes. Today we are studying physics. Our next topic is error in the product of quantities. Product of quantities, for example, x is equal to a into b. X is equal to a into b. So error, absolute error in a, then a absolute error in A, let and del B is equal to absolute error in B and del X absolute error in X. Clear? So we can write x plus del x, the plus minus x, error in plus minus is equal to a plus minus del a into b. B को कैसे लिख सकते हैं बेटा? चेक करो. क्या? हवा चेक करो ना. अच्छा. Error in b plus minus delta b. Clear? Common. X is common, so 1 plus minus del x upon x. Here, a is common, so 1 plus minus del a upon a. And common, b is common, so 1 plus minus del b upon b. Clear? So we can write now. Here x is equal to 1 as atomic number, x 1 plus minus del x upon x is equal to a multiply b 1 plus minus del a by a and 1 plus minus del b by b. Clear? So थोड़ा यहाँ से x 1 plus minus del x upon x. Here a into b, so a into b and 1 plus minus del a by a and 1 plus minus del b by b. Clear? And we know that x is equal to a into b. Starting में हमने ये लिया था, तो a into b को क्या लिख सकते हैं बेटा? x. So x 1 plus minus del x upon x. इसको क्या लिख देंगे? x. So is equal to x 1 plus minus del a by a and 1 plus minus del b by b. Here x is cancelled. क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहां से वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी. बेटा क्या कर मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करें क्या है? 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 एंड प्लस माइनस डेल ए बाई ए. इसको यहां से मल्टीप्लाई है, ठीक है? 1 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी. ब्रैकेट ऐसे ओपन करते हैं पहले. अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो प्लस माइनस डेल बी बाई बी एंड प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी. क्लियर? वन से वन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल.
पास क्या जाएगा, मल्टीप्लाई एरर, प्रोडक्ट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल आ जाएगा आपके पास। देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल बी बाय बी एंड प्लस माइनस ए डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी बाय बी। क्लियर? डेल ए डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, डेल ए एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल बी एब्सोल्यूट एरर इन बी। अच्छा देखिए यहां से बात क्लियर है कि जो डेल ए है, डेल ए डेल एक्स और डेल बी इनकी वैल्यू जो है रेस्पेक्ट टू एक्स स्मॉलर डेल एक्स, डेल ए ए के रेस्पेक्ट में डेल ए बहुत ही छोटा है, डेल बी भी बहुत छोटा है, तो इनका जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी बाय बी, ये तो और भी छोटा होगा भाई, समझिए डेल ए जो है बहुत ही छोटा है किसके रेस्पेक्ट में, ए के, तो बहुत ही छोटी कोई भी आपके पास क्वांटिटी है उसमें ए बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड करेगी तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, वैल्यू और छोटी हो जाएगी, उसी में अगर इस छोटी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट क्या आ गया, ये अप्रोक्सीमेट आ गया आपके पास जी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फाइनल, डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल बी बाय बी एंड डेल ए अपॉन ए एंड इनटू डेल बी बाय बी इज जीरो। क्लियर? सो डेल एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स इधर लेके जाएंगे एक्स, या फिर इसको इसकी जो वैल्यूज है वो बताइए एरर की क्या क्या आ सकती है। देखो यहाँ से ये भी प्लस माइनस है, ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ सकती है, देखो डेल ए बाय ए पॉजिटिव भी हो सकता है तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, डेल बी बाय बी एक वैल्यू भी आ सकती है एक्स में, एरर एक क्या आ सकती है कि या तो ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं फिर दोनों नेगेटिव, डेल ए बाय ए और डेल बी बाय बी ये नेगेटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव डेल ए बाई ए और नेगेटिव डेल बी बाय बी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपके पास आ सकता है नेगेटिव डेल ए बाई ए और ये पॉजिटिव डेल बी बाय बी, तो एरर कितनी आई चार, कौन कौन सी, देखो या तो दोनों प्लस की, इस फॉर्मूले को देख के बताओ, या तो दोनों प्लस की या फिर दोनों माइनस की या फिर एक प्लस की एक माइनस की या फिर ये माइनस की ये प्लस, तो एरर इन एक्स इन प्रोडक्ट मेथड डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यूज। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ अगर आप कंप्लीट डेल एक्स की वैल्यू कंसीडर करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कंप्लीट डेल एक्स आ जाएगा आपके पास डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स उधर जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल बी बाय ए, ये आ गया आपके पास एरर एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इन प्रोडक्ट क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट क्वांटिटीज हैं उनकी हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो कल हम डिवाइड वाली जो एरर है उसको कैलकुलेट करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।